नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हम बात करते हैं डॉक्टर आयुषी की। डॉक्टर आयुषी जो भैयू महाराज की धर्मपत्नी थी और जो लंबे समय तक भैयू महाराज के साथ नहीं दे पाए, आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें डॉक्टर आयुषी से भैयू महाराज बिछड़ गए? जी हाँ, भैयू महाराज की आत्महत्या पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। एक हाई प्रोफाइल संत की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भैयू महाराज की पहुंच सभी दूर थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी का अनशन तोड़वाया था, अन्ना हजारे का अनशन तोड़वाया था, और सबसे बड़ी बात यह कि जब उन्होंने डॉक्टर आयुषी से खुलेआम विवाह किया तो उनका विवाह भी उनके भक्तों सहित सभी दूर बेहद चर्चा का विषय बन गया। कुल मिलाकर इसके बाद आखिर वे कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण डॉक्टर आयुषी बहुत कम समय तक भैयू महाराज के साथ रह पाई? भैयू महाराज के आश्रम में एक षड्यंत्र जन्म ले रहा था और उस षड्यंत्र को उनके सेवादार ही आगे बढ़ा रहे थे। डॉक्टर आयुषी इन सब से वाकिफ नहीं थी, लेकिन जब भैयू महाराज ने आत्महत्या की तो मीडिया सहित सभी लोगों ने यही आरोप लगाया कि डॉक्टर आयुषी भैयू महाराज को इतना प्रताड़ित करती थी और खासकर उनकी बेटी कुहू को लेकर उन्हें इतना जलील करती थी कि भैयू महाराज को आत्महत्या करना पड़ी। और मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर यही चर्चा रही कि कहीं न कहीं भैयू महाराज की आत्महत्या के लिए डॉक्टर आयुषी जिम्मेदार है। लेकिन जब सेवादार षड्यंत्र में पकड़े गए, युवती पकड़ी गई, सेवादार पकड़े गए, तो फिर यह स्पष्ट हुआ कि डॉक्टर आयुषी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि डॉक्टर आयुषी इतने बड़े षड्यंत्र से नावाकिफ कैसे रही कि भैयू महाराज को लगातार युवती और सेवादार द्वारा ब्लैकमेल किया जाता रहा और इतना अधिक ब्लैकमेल किया गया कि अंततः भैयू महाराज को आत्महत्या करना पड़ी। क्या डॉक्टर आयुषी इसमें अपनी कोई भूमिका निभा सकती थी? क्या डॉक्टर आयुषी उस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सकती थी जो युवती और सेवादार भैयू महाराज के खिलाफ रच रहे थे? आखिर में कौन सी परिस्थितियां थी जिसने इतने बड़े संत को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर दिया? और डॉक्टर आयुषी जैसी विद्वान महिला जो कि अब पूरी तरह से डॉक्टर होने के साथ साथ ही भैयू महाराज के आश्रम की पदाधिकारी भी बन चुकी है, उनके आश्रम की जिम्मेदारी संभाल चुकी है, आखिर क्या वजह थी कि वे इस षड्यंत्र को बेनकाब नहीं कर पाई और उन्होंने सेवादार और उस युवती का डटकर मुकाबला क्यों नहीं किया? उन्होंने भैयू महाराज को संरक्षण क्यों नहीं दिया? आखिर भैयू महाराज उस समय अपनी पीड़ा किससे कहते? सवाल इस बात का है कि अगर भैयू महाराज और डॉक्टर आयुषी के बीच इस पूरे मामले को लेकर बात होती तो संभव था कि भैयू महाराज आत्महत्या नहीं करते और डॉक्टर आयुषी के साथ जो दुर्भाग्य जुड़ा रहा वो दुर्भाग्य नहीं जुड़ता। प्रश्न इस बात का भी है कि डॉक्टर आयुषी जो कि एक विदुषी और विद्वान महिला है और जिन्होंने कहा है कि अब सूर्योदय आश्रम का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, लेकिन उसी दावे के साथ उनको यह भी कहना था कि भैयू महाराज को कोई आत्महत्या के लिए बाध्य नहीं कर सकता क्योंकि उनके पीछे डॉक्टर आयुषी खड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिरकार वो कौन सा दुर्भाग्य था जिसने मात्र एक या दो वर्ष की अवधि के बाद ही, यानी बहुत छोटी अवधि के बाद ही, डॉक्टर आयुषी से भैयू महाराज को छीन लिया? सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।